क्या नाम है चेला तुम्हारा? आयुष। आयुष, गाना सुनाओ तो। एक जाने मन मेरे जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। मतलब ये गाना तुमको याद है? जैसा मेरा प्यार है। अरे आप रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आगे नहीं सुनना है मुझे। ये गाना तुमको याद है ना? सरस्वती वंदना सुनाओ। और इसमें किसी बच्चे को सरस्वती वंदना याद है? देखो इधर कपड़ा दे लेगा। याद है किसी को? किसी को सरस्वती वंदना याद है? किसी को भी? हम लोग सरस्वती पूजा करते हैं, सही है ना? किसी को तो याद होना चाहिए ना? किसी को बोलो। किसी को याद है तुमको? किसी को याद है? याद है सरस्वती वंदना? बताओ बताओ बताओ। नहीं याद। संस्कार वाला देश भारत है, और संयोग से जो लोग बुलाए हैं उन्हीं लोगों पे मैं भारी पड़ गया, वही लोग भागना शुरू कर दिए। अब बताइए, एगो ये बचपन में लड़का है, देख लीजिए टकला। इसको बचपन में जो है बचपन का प्यार याद है। देखिए माँ सरस्वती माता के मूर्ति के पास खड़ा होके एकदम टकाटक, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सही है ना बाबू? लेकिन सरस्वती वंदना नहीं याद है, क्योंकि हमारे स्कूल का जो कल्चर हो गया है, पढ़ाने का जो तरीका हो गया, वही कहीं नहीं तो कहीं। कन्वेंट स्कूल में पढ़ते हो गए? प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो ना चला? प्राइवेट स्कूल में, उसमें नहीं ना बताया जाता सरस्वती वंदना? नहीं नहीं बताया जाता ना तुम लोग के स्कूल में? नहीं ना बताया जाता? नहीं नहीं ना बताया जाता है? बोलो बोल दो। नहीं ना बताया जाता है? नहीं बताया। नहीं ना बताया जाता? मेरा स्कूल में तो सरस्वती पूजा ही नहीं होता। तुम्हारे स्कूल में सरस्वती पूजा नहीं होता? अरे कौन स्कूल में पढ़ते हो? क्या क्रिश्चियन हो स्कूल या हिंदू का स्कूल हो, मुसलमान का स्कूल हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? सरस्वती पूजा तो सरस्वती माता तो विद्या की देवी हो, वो सबकी देवी है। तुम्हारे स्कूल में? हाँ सुनो, तुमको गाना याद है? नहीं याद है, अब तो गाएगा भी नहीं। अच्छा पूजा कमेटी के किधर लोग हैं? आइए आइए आइए, स्वागत है आप लोगों को। कहे बुलाए हैं आप लोग हमको? ओ भैया एको देखिए भाग रहा है। आइए आइए, आज सिर्फ एक आदमी मत आइएगा, एक ही आदमी के सर पे नहीं फूटना चाहिए, नहीं तो बेचारा वो आदमी बदनाम हो जाएगा। कमेटी में 20-25 लोग रहते हैं, कितना लोग हैं? 25 है ना? तो बाकी 24 किधर गए आपका? किधर किधर? हाँ चेहरा दिखाइए भैया, आइए 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 भैया। देखिए ऐसा नहीं है कि हर चीज हर किसी को याद ही रहे, ये बात सत्य है। अब मतलब कि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं तो या इसका मतलब ये नहीं कि साइंस का हर एक फॉर्मूला मुझे याद रहेगा, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो मैथ सब कुछ मैं जानता हूं। और ऐसा नहीं है कि हर धर्म ग्रंथ मुझे याद होगा, सही है कि नहीं? अरे 25 आदमी में से एक आदमी तो होने चाहिए ना कम से कम, हम ही नहीं बोल रहे 25 में से 25 को याद रहे, सही है ना? एक आदमी को, और इसके लिए ये लोग दोषी नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों को भी नहीं याद है, इसके लिए हमारी शिक्षा पद्धति दोषी है। क्या दोषी है? हम आप लोगों को दोषी नहीं ठहराने आए हैं, हम एक चीज दिखा दी, आप लोगों ने माइक थमा दिया तो हम सोचे कि माँ सरस्वती के ऊपर बात कर लिया जाए। एक आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग पूजा तो करते हैं लेकिन जरा सोचिए कि सरस्वती वंदना नहीं याद रहता है, दुर्गा चालीसा नहीं याद रहता है, हनुमान जी की बात करते हैं, लाउड स्पीकर अजान की बात करते हैं और हनुमान चालीसा नहीं याद रहता। याद रहना चाहिए हम लोगों को। हम लोग अपने धर्म की बात करेंगे लेकिन साथ ही साथ हमें याद रहना रखना है कि दूसरे धर्म का अपमान हमें नहीं करना है। किसी भी धर्म को, किसी का भी धर्म छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है? किसी का भी धर्म छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन सनातन धर्म सबसे पुराना है और सारे धर्मों का जनक है और सारा धर्म जो है सनातन से ही निकला हुआ है, तो सनातन की भी बात अगर थोड़ा सा कर ले तो कौन सा गुनाह कर दिए। लेकिन हाँ याद रखना है कि किसी का भी अपमान नहीं करना है, और साथ ही साथ जितने भी माता पिता हैं उनसे मैं विनती करना चाहता हूँ कि भूटान में एक भी अनाथ आश्रम नहीं है। क्या नहीं है भूटान में?
एक भी अनाथ आश्रम भूटान में नहीं है, क्योंकि भूटान ने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। क्या चीज को नहीं छोड़ा? आप लोग अपने बच्चों को भेजिए कन्वेंट स्कूल में, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, बच्चा गाएगा। और जब आप 55 के होंगे तो अनाथ आश्रम आप लोग अपने लिए ढूंढना शुरू कर दीजिए। है कि नहीं? पटना में 50 को अनाथ आश्रम होगा, जाते हैं हम। अभी कुछ दिन पहले ही 51,000 रुपया दे के आए थे एक अनाथ आश्रम में। क्या चीज है? तो पढ़ाइए बच्चा को बचपन का प्यार, बनाइए बच्चा को शाहरुख खान का फैन। वो है ना एगो पठान फिल्म, सिनेमा हॉल के सामने जा जाकर हमको ढूंढ रहा है सब ससुरा, शाहरुख खान को नहीं ढूंढ रहा है, हमको ढूंढ रहा है कि मनीष कैसे बोले थे फ्लॉप होगा, फिल्म अच्छा कर रहा है कैसे। अरे गुटका का प्रचार करता है शाहरुख खान, हीरो तो कभी हो ही नहीं सकता है, चाहे वो शाहरुख हो, चाहे अजय देवगन हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान। शराब का प्रचार करने वाला, गुटका का प्रचार करने वाला, उसको हीरो कैसे मान लेंगे हम लोग? हम तो मनवे नहीं करते हैं। आनंद सिंह का सुने है ना आप लोग? नहीं सुने हैं? सुने है ना? उतना बढ़िया हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम उन्हीं का भाषा बोल रहे हैं। हम मन में नहीं करेंगे शाहरुख खान को हीरो, हम मन में नहीं करेंगे अक्षय कुमार को हीरो। हम तबे मानेंगे जब ये लोग गुटखा का प्रचार नहीं करेंगे, हम तबे मानेंगे जब ये लोग शराब का प्रचार नहीं करेंगे, तब हम इनको रियल हीरो मानेंगे। ये लोग रियल हीरो नहीं है, ये चीज है। तो ये सब चीजें देखिए, संस्कृति और सभ्यता का ख्याल हम लोगों को रखना होगा। आजकल जो है बच्चे जो है जींस पैंट वाले हो गए हैं। पहनो भाई, पहनावा पे किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से रहो ताकि जो है अपने देश का संस्कृति सभ्यता को नुकसान ना हो। माँ सरस्वती कौन है वो बच्चे ना जान पाए, इसका भरपूर व्यवस्था आजकल स्कूल वाले कर रहे हैं। जैसे ही दूर को बचवा आया था, सब बोल रहा था सब कि हमारे स्कूल में नहीं होता है, नहीं होता है। तो बच्चा दोषी नहीं है, उसके माता पिता दोषी है। जरा सोचिए, आज स्कूल वाला बोल रहा है कि सरस्वती माता को मत मानो, कल बोलेगा कि अपने माँ बाप को मत मानो। ये सबको श्रवण कुमार के बारे में पता है? नहीं पता है, पूछिए सबको, नहीं पता है। लेकिन गुटका छाप कलाकार शाहरुख खान के बारे में जरूर पता होगा, जरूर। श्रवण कुमार को रियल हीरो नहीं मानेगा सब, ये सब मानेगा शाहरुख खान को। अरे शाहरुख ने पठान में है उड़े हैं, सही है कि नहीं है? अजाकर वो मोना सिनेमा हॉल के पास जो है वीडियो बना रहा है सब, मनीष का सेफ किधर गया, वो सबका वीडियो 5-5 मिलियन लोग देख रहा है। संस्कार पे बात किया जाएगा तो लोग नहीं देखते। हम कुछ गलत बोल रहे हैं? बताइए, हम कैसे अमिताभ बच्चन को हीरो मान लेंगे, वो कमला पसंद का प्रचार करेंगे, रॉयल स्टेज शराब का प्रचार करने वाले लोगों को हम हीरो कैसे मान लेंगे? हमको तो सरस्वती माता ने तो इतना ज्ञान दिया है कि जो समाज और देश की बात करे, जो समाज और देश का भला करे, आप उसको हीरो मानिए। हमारे नजर में जो है हमारे देश के जवान हीरो है, हमारे नजर में वो लोग हीरो है जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे सोसाइटी को फायदा हो रहा है। अभी सब बच्चों को पता तो होना चाहिए ना, अब बताया जाएगा क्या? अगर गलती से बताया भी जाएगा ना तो इस सबके स्कूल में, तो सरस्वती माता की बुराई बताया जाएगा, बुराई बताया जाएगा, जो मनगढ़ंत कहानी है वो चीजें बताया जाएगा। तो माता पिता से विनती करना चाहता हूं, सब लोग आजकल 2 BHK 3 BHK फ्लैट में रहने वाले माता पिता है, सही है कि नहीं है? सब लोग हाई फाई माता पिता है, कोई ऐसा माता पिता नहीं होगा यहाँ पे, खड़ा कर दीजिए, जो ये कहे कि हम अपने बचवा को नहीं मानते हैं। कोई है ऐसा जो अपने जिगर के टुकड़ा को प्यार नहीं करता हो? कोई माता पिता ऐसा है पूरे बिहार में? कोई है ऐसा? नहीं है। लेकिन लाखों बच्चों को मैं खड़ा कर दूंगा जो अपने माता पिता को भूल गए, लाखों बच्चे को। क्यों भाई, क्यों भूल गए अपने माता पिता को, बताइए क्यों भूल गए? समझना होगा, सोचना होगा। और संस्कृति और सभ्यता जिस देश में है, जिन लोगों के पास है, उससे बड़ा धरोहर किसी के पास नहीं है, उससे बड़ा धरोहर किसी के पास नहीं है। और दुनिया के अनेकों धर्म, बड़े बड़े धर्म के गुरुओं का जो है जन्म जो है भारत में हुआ है। गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है अपने भारत में ही हुआ, बहुत सारे धर्म गुरुओं को। तो आप लोग सोचिए, समझिए, बाकी आप लोगों की मर्जी। भेजिए स्कूल में जहां सरस्वती माता के बारे में नहीं जानेगा तो आप लोगों को घर के बाहर तो निकालेगा ही। ये तो लिख के रख लीजिए, ये लिख के रख लीजिए। आप लोग अभी जाइए, कोर्ट में स्टाम्प पेपर मिलता है 100 रुपया का, और उस पर लिख लीजिए कि मनीष कश्यप ने कहा है कि हमारा बच्चा जो है संस्कृति सभ्यता से दूर हो रहा है, और वो 55-60 साल के बाद जो है हमको छोड़ेगा। क्या क्या लिख के रख लीजिए। तो ये सब चीजों को समझिए लोग,
उम्मीद है कि आप लोग जो है अपने बच्चों को बताएंगे, पढ़ाएंगे और कम से कम हफ्ते में एक दिन, एक ही दिन सही, आधे घंटे के लिए, हफ्ते में एक दिन आधे घंटे के लिए उस बच्चा को जो है ना दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, सरस्वती वंदना, लक्ष्मी आरती, ये सब चीजें सिखाइए। फायदा करेगा, बच्चे को भी फायदा करेगा और आप लोगों को भी फायदा करेगा। बच्चा फिर चाणक्य बनेगा, बच्चा जो है बुद्धि वाला होगा, तो इससे फायदा होगा। और नहीं तो चंपरास तो आता ही है, खिलाइए बुद्धिवर्धक चंपरास, उसे दिमाग अगर बढ़ता हो तो खिलाते रहिए चंपरास। चंपरास उम्परास की जरूरत नहीं है, बच्चा को जो है सही शिक्षा आप लोग दीजिए। और इसके लिए माता पिता दोषी हैं। और एक और मैं बात बता देना चाहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान जो है अपने भारत में ही चलता है और वो भारतीय कल्चर को फॉलो करता है। नाम मारिएगा सर्च, आप लोगों को पता चल जाएगा। हम नाम नहीं बताएंगे, नाम बताएंगे तो आप लोग बोलिएगा कि उस विद्यालय का प्रचार करने आ गया मनीष कश्यप। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं उसी विद्यालय में पढ़ा हूं। अच्छा अच्छा विद्यालय है पटना में भी, बहुत बढ़िया बढ़िया विद्यालय है, जाके देखिए। सवेरे सरस्वती वंदना या सवेरे प्रार्थना सुनिएगा ना उस विद्यालय में, तो एकदम रुआ रुआ खड़ा हो जाएगा, रुआ रुआ। तो आप लोग तो सोचते नहीं है, समझते नहीं है। बाद में बचवा मारता है तो जाते हैं लोग, कहते हैं हमारा बेटा खराब हो गया। बेटवा खराब नहीं है, खराब संस्कार आप लोगों ने दिया है। सही संस्कार दीजिए उसको, अपने से कनेक्ट कीजिए, अपने पास रखिए बच्चा को। देखिए जो है कैसे, अरे टीका लगाया है, टीका से क्या फायदा होता है बताओ, बताओ बताओ बताओ, बोलो। कुछ होगा फायदा? क्या होगा? चंदन का टीका करने से माथा शांत रहता है, क्या ये पता कीजिए। आदमी कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, कॉन्सेंट्रेट क्यों कर पाता है, टीका जो है बीच में किया जाता है, एकदम यहां पे कॉन्सेंट्रेशन बनता है आदमी का, एकदम पूरा दोनों आंख के बीच में, नाक के ऊपर टीका, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन, साइंटिफिक रीजन है। हर नमाज क्यों पढ़ा जाता है, नमाज क्यों पढ़ते हैं लोग, घुटने में दर्द ना हो, और भी बहुत सारा रीजन होता है उसका, साइंटिफिक रीजन भी होता है उसका भी होता है। हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे हैं, हम किसी दूसरे धर्म का बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन टीका का भी तो महत्व, हम अपना टीका का भी तो महत्व समझा सकते हैं। चाणक्य क्यों बड़ा सा टिक रखते थे, चाणक्य क्यों रखते थे? आपका बच्चा क्यों नहीं चाणक्य बन पा रहा है? चाणक्य से, चाणक्य का किताब जो है, चाणक्य का अर्थशास्त्र जो है, चाणक्य का राजनीति शास्त्र जो है, वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में रिसर्च का विषय है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिसर्च का विषय है। आप अपने बचवा का टिकवा रख दीजिएगा तो बचवा का सुंदरता ना कम हो जाएगा, सही है ना? सही है, तो बनाइए बच्चा को ऋतिक रोशन, बनाइए, अच्छा है, बनाइए बच्चा को गजनी। जब गजनी बनेगा तो भूलेगा भी तो जरूर, और जब भूल जाएगा तो मत कहिएगा अरे ये तो माता पिता को ही भूल गया। बाकी आप लोगों की मर्जी, जितना लोग रिकॉर्ड किए हैं, कुछ लोग तो लाइव चला रहे होंगे। चलिए ठीक है, मुझे अच्छा लगा मैं यहाँ पे आया और रेंटू भाई ने मुझे यहाँ पे बुलाया। और साथ ही साथ सरस्वती पूजा के दिन जो है इन बच्चों के बीच में माता पिता और सभी लोगों से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बिहार के बारे में भी आप लोग अपने बच्चों को बताइए कि कैसे हमारा बिहार था, क्या है, और भविष्य में अगर इसी प्रकार से चलता रहेगा तो कितना बर्बाद होगा, और बिहार को कैसे बनाया जाए। आप लोग क्या बताते हैं, बबुआ तुमको दिल्ली में फ्लैट लेना है, बबुआ तुमको मुंबई में फ्लैट लेना है। और जैसे बिहार का बच्चा थोड़ा काबिल होता है, पढ़ने लिखने वाला, बढ़िया कंपनी में जॉब कर देता है, वो बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद जाके सेटल हो जाता है। यानी बिहार का जितना क्रीम था वो बिहार से बाहर चला गया, बिहार से बाहर चला गया। तो इन सब चीजों के बारे में आप लोग जो है अपने बच्चों को बताइए। और आइए बिहार को बदलते हैं, आइए संस्कृति और सभ्यता को जानते हैं, और आइए भारत को फिर से विश्वगुरु बनाते हैं। और विश्वगुरु कोई नेता और नेता का भाषण नहीं बनाएगा। कोई भी नेता बोलता है अरे हम विश्वगुरु थे, हैं और बने रहेंगे, अरे ऐसा नहीं है। भारत को अगर विश्वगुरु बनना है, था पहले, अभी है नहीं। सच्चाई ये है, दुनिया का टॉप 100 यूनिवर्सिटी भारत में नहीं है,
टॉप 100 में एक भी यूनिवर्सिटी का नाम भारत का नहीं आता है, एक भी भारत की यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता, तो कैसे विश्वगुरु बन सकते हैं हम लोग अगर हमारे भारत के हर एक माता पिता प्रयास करें। तो साथ ही साथ माँ सरस्वती सब किसी को सद्बुद्धि दे, हर किसी के धर्म का सम्मान किया जाए और हाँ अपने हक की भी बात की जाए। जय हिंद।